तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमें परिफिश एक्वेरियम में और आरिफ भाई हमारे साथ में है, और आज हमें वो बताने वाले हैं कि बजट में प्लांटेड टैंक को कैसे डेवलप करना है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि प्लांटेड टैंक के बारे में नॉलेज शेयर कीजिए, तो आरिफ भाई हमें उस रिगार्डिंग आज नॉलेज शेयर करने वाले हैं। ये प्लांटेड टैंक डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके नीचे जो सॉइल डाली जाती है, एक रिवर सॉइल है मेरे पास, ये मैं रिवर सॉइल डाला हूँ। नीचे फर्टिलाइज़र आता है, फर्टिलाइज़र नीचे डालो, उसके ऊपर रिवर सॉइल डालो। और ज़रूरी इसके अंदर ये चीज़ है कि उसके ऊपर लाइट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चाहिए। नॉर्मल लाइट आप नहीं लगा सकते, और नॉर्मल लाइट लगाएंगे तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और कम से कम 8 घंटा लाइट चालू चाहिए उसकी मिनिमम, क्योंकि सनलाइट 8 घंटा होती है, तो वो हिसाब से आपको 8 घंटा लाइट चालू रखना है। और ये जो प्लांट्स वगैरह, जो प्लांट्स लगाने का तरीका होता है, प्लांट्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो वैरायटी चाहिए आप लगा सकते हो। तो आरिफ भाई, मुझे ये बताइए कि कौन से प्लांट्स हैं जो कि इजीली ग्रो हो जाते हैं? नॉर्मल करके ग्रीन वैरायटी जो है, जितने हरे कलर के प्लांट्स है, वो सब फटाफट ग्रोथ हो जाते हैं। रेड कलर का प्लांट जो वो लेते हैं आप, रेड कलर के प्लांट को CO2 लगता है। अगर आपके पास CO2 अवेलेबल है आपके टैंक में, तो आपका प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। और आप कलरफुल टैंक करना चाहते हो, आपको CO2 लगाना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल ग्रीन प्लांट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे आते हैं नॉर्मल में भी। ग्रीन में काफ़ी वैरायटीज आती है, अम्बोलिया वगैरह हो गया, या फिर उसके अंदर ग्रीन फॉक्सटेल हो गया, ग्रीन कोकम्बाज है, रेड कोकम्बाज, ये सब आपको लो लाइट में आ जाएंगे बहुत। और ये प्लांटेड टैंक जो रहता है, उसमें जनरली कौन सा फिशेस हमें ऐड करना चाहिए? प्लांटेड फिश में ओनली फॉर आप टेट्रास डालो, गुरामीज की वैरायटी डालो, इंपोर्टेड गुरामी डालना, ऑर्डिनरी गुरामी मत डालना जंगली, क्योंकि वो मारती है दूसरे फिशेस को। अच्छी क्वालिटी की फिशेस डालेंगे टेट्रास में। टेट्रास में बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है भाई, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी वैरायटीज़ है टेट्रास के अंदर जो आप प्लांटेड में डाल सकते हो। छोटा मच्छी डालने का रीज़न यही है टेट्रास, कि भाई ये प्लांट को हार्म नहीं पहुँचाते। और काफ़ी बड़ी मच्छी, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास गोल्डफिश का टैंक है, कोई का टैंक है, शार्क का टैंक है, हम लोग प्लांट लगाना चाहते हैं, उनका दिल होता है कि प्लांट लगाओ, तो वो लोग प्लांट ना नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि काफ़ी फास्ट मूविंग होते हैं वो मच्छी, वो भागती दौड़ती ज़्यादा है, वो हिसाब से आपके प्लांट डिस्टर्ब हो जाएंगे और प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो आरिफ भाई, हमारे पास जो भी टेट्रास है वो हम डाल सकते हैं उसमें? टेट्रास में भाई कम से कम आप देखे जाएंगे तो 2 से 3 हज़ार वैरायटी के टेट्रास आते हैं, तो आप टेट्रास में कोई भी वैरायटी डालना। टेट्रास के अंदर भी काफ़ी बहुत से लोग नियॉन टेट्रास का सेटअप बनाते हैं, उसके ओनली फॉर उसके अंदर नियॉन टेट्रास की वैरायटी डालते हो, तो कार्डिनल टेट्रा डालो, नियॉन टेट्रा डालो, ग्लोलाइट टेट्रा डालो, हॉकी टेट्रा डालो। अगर वो उसके अलावा अगर अदर फिशेस आप टेट्रास डालते हो, जैसे कि सर्फी टेट्रा, रेडाई टेट्रा, ऑर्डिनरी नॉर्मल टेट्रास डालेंगे, तो आपके नियॉन टेट्रास को, कार्डिनल टेट्रास को मार डालेंगे वो। इसके लिए हो सके तो नॉर्मल आप जैसे कि ये देखो, अभी मेरे पास ये कार्डिनल टेट्रा है, इसके अंदर मैंने चेरी टेट्रास डाला हुआ हूँ, इसके अंदर मैं नॉर्मल टेट्रास नहीं डाल सकता, क्योंकि ये कार्डिनल टेट्रा को मार देंगे। इसका क्या प्राइस है? ये कार्डिनल टेट्रा ही आप लेंगे तो आपको 600 रुपये डजन मिलेगा ये, और चेरी टेट्रास है इसके अंदर, ये 500 रुपये डजन है। ये सब प्लांटेड टैंक के फिशेस है, ये बाजू में भी है, इसके अंदर ग्लोलाइट टेट्रा है, हॉकी टेट्रा है, क्लाउन, हाँ, प्लांटेड टैंक में डाल सकते हैं। इसके लिए कौन से फिल्टर्स वगैरह ऐसा कुछ हमने यूज़ करना चाहिए? भाई इसके अंदर आप टॉप ऑफ फिल्टर मत यूज़ करो, और इंटरनल फिल्टर जो होता है अपना, जो लगाते हैं पावर वाला, पावर हेड बोलते हैं, वो भी नहीं यूज़ कर सकते इसके अंदर। हैंग ऑन फिल्टर लगा सकते हैं आप इसके अंदर, और कैनिस्टर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और स्पंज फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो आप। स्पंज फिल्टर जो रहता है वो थोड़ा बेस्ट रहेगा, नहीं अगर स्पंज में एडवांस फिल्टर नहीं है तो? अगर आपका कवर नहीं है टैंक के ऊपर, तो आप हैंग ऑन फिल्टर यूज़ कर सकते हो विदाउट कवर का, अगर आपका टैंक है। और आप इसके अंदर टॉप ऑफ फिल्टर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, उसका रीज़न यही है कि वो फ्लो मारता है नीचे, फ्लो मारेगा तो आपका जो प्लांट्स है डिस्टर्ब हो जाएंगे और प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो हो सके आप इसके अंदर स्पंज फिल्टर यूज़ करो, हैंग ऑन फिल्टर यूज़ करो, और स्पंज फिल्टर यूज़ करो, तीनों फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। स्पंज फिल्टर यूज़ किया? हाँ, हमने स्पंज फिल्टर यूज़ किए हैं। सॉइल के बारे में, अभी भाई अगर हमने सॉइल यूज़ नहीं की तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट सॉइल? वाले भी प्लांट आते हैं भाई, जैसे कि जावा फन की वैरायटी यहाँ पे देख लो आप। ओके, ये जावा फन है? ये जावा फन की वैरायटी है, और इसके अनुबियस की वैरायटी है ये अनुबियस गोल्ड है, ये अनुबियस नाना आता है, अनुबियस बैक्टीरिया आता है, तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अनुबियस में भी 3-4 वैरायटी है, और जावाफन में एक ही वैरायटी आती है। जावाफन के अंदर 2 से 3 वैरायटी आती है, वही बताया था अभी फिलहाल, मेरे पास जावाफन ही अवेलेबल है। जावाफन के अंदर भी 2-3 वैरायटी आती है, तो आप
ये विदाउट सॉइल वाले प्लांट है। आप अगर टेट्रास करना चाहते हो तो नॉर्मली एक वुड ले लो, ड्रिफ्टवुड ले लो, ड्रिफ्टवुड के ऊपर हैंग ऑन करो उसको, उसको लगाओ उसके ऊपर, या फिर धागे से बांधो, या फिर मॉस भी लगा सकते हैं आप वुड के ऊपर, आप टेट्रास के अंदर रख सकते हैं। लाइट सॉइल की जरूरत नहीं है, ये विदाउट सॉइल होते हैं भाई। ये आपने इसमें भी वुड लगाया हुआ है? ये वुड के ऊपर बांधा जाता है भाई, हैंग ऑन करना होता है। ये मुझे सेलिंग के लिए, तो इस हिसाब से मैंने रबर में इसको हैंग ऑन किया हुआ। ये भी वुड पे लगा हुआ है? हाँ, ये भी वुड पे लगाने का। आप इसको धागे से बांध सकते हैं, कॉटन के धागे से। लाइट के बारे में आपने जब भी बोला था तो मुझे बताइए कि मिनिमम यानी कैसा एलईडी लाइट वगैरह आते हैं, वो चलेगा क्या अभी? भाई एलईडी लाइट इसको चलती है, मगर पावरफुल लाइट चाहिए। जितना वाइटनेस ज़्यादा होगा लाइट के अंदर, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ट्यूब लाइट के अंदर प्लांट ग्रोथ करें। बहुत से लोग मेरे पास से भी प्लांट लेके जाते हैं, बाद में बोलते हैं भाई प्लांट ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, तो उसका रीज़न एक ही बताता है भाई, आपका लाइट का इशू होता है। लाइट आप अच्छी क्वालिटी की लगाओ, ज़्यादा टाइम मत चलाओ। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हम लोग इतना घंटा नहीं चला सकते, हम लोग शाम में चालू करते हैं, 5 बजे 6 बजे चालू करते हैं, तो उतने घंटे आपको, अगर आप 7 से 8 घंटा भी लाइट चालू रखेंगे या फिर शाम में भी चालू करेंगे आप 5 बजे, तो भी आपका 8 से 10 घंटा हो जाता है। तो लाइट तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है भाई प्लांट्स के लिए। लाइट और फर्टिलाइज़र लिक्विड भी आता है उसके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। फर्टिलाइज़र लिक्विड जो होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र मार्केट में अवेलेबल है, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो। और CO2 करके लिक्विड भी होता है, कार्बन प्लस करके, नॉटिलस का है वो। और फर्टिलाइज़र करके, मैजिक प्लांट करके फर्टिलाइज़र लिक्विड होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लांट एकदम ईजिली आता है, बहुत से लोगों के दिलों में डर बैठा है और खर्चा ज़्यादा होएगा ये डर लगता है। आप अपने हाथों से भी कर सकते भाई इसको, काफ़ी ईजी है। रिवर सॉइल ले लो, नीचे फर्टिलाइज़र का सॉइल डाल दो आप इसके ऊपर, हाँ फर्टिलाइज़र सॉइल आता है वो नीचे डालो, उसके ऊपर रिवर्स सॉइल डालो, रिवर्स सॉइल डालने के बाद आप प्लांट लगा दो उसके ऊपर बंच वाइज, तो आपका प्लांटेटिंग रेडी है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा इसमें। थोड़ा सा अच्छा सा फिल्टर लगा लीजिए, फिल्टर अगर आपका कवर कवर नहीं है तो आप स्पंज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और लाइट इतना हो गया, हाँ इट्स ओके हाँ, वो आपका प्लांटेड रेडी हो गया। आप इसके अंदर बाद में उसको, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे टेट्रास को इसके अंदर बीमारी लग जाती है, डिसेस हो जाते, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है भाई। उसके लिए भी आप जैसे कि मार्केट में एंटीबायोटिक में वाइट फॉर्म के अंदर जो मेडिसिन मिलती है, जैसे कि सिप्लोफ्लॉक्सासिन है समझे, एंटीबायोटिक है समझे, बहुत सी वाइट फॉर्म में, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन वगैरह बंदा यूज़ नहीं कर सकता, इसमें पानी येलो कलर का हो जाएगा ओके। तो इसके लिए आप वाइट फॉर्म में कोई भी टेट्रा एंटीबायोटिक यूज़ करो ना इसके अंदर, आपके टेट्रास फिशेस के लिए ओके। इसके अलावा और बता दूँ आपको मैं, मैजिक डिसेस करके एक एजू का एक लिक्विड है, मैजिक डिसेस करके, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है काफ़ी मच्छी को कभी कभी क्या होता है, क्लाइमेट थोड़ा अपडाउन होने की वजह से मच्छी को डैमेज होता है, फंगस आते हैं ओके। तो आप उसको एंटीबायोटिक यूज़ करो, सॉल्ट नहीं डाला जाता है प्लांट के अंदर। सबसे पहले आपको ये बता दूं भाई मैं, पवन भाई आपने ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, फिश टैंक फिश बीमार हो जाती तो बोले उसके अंदर सॉल्ट डाल दो, तो आप प्लांटेड के अंदर सॉइल नहीं डाल सकते भाई। आप इसके अंदर एंटीबायोटिक यूज़ करो, वाइट फॉर्म में कोई भी एंटीबायोटिक, मेडिकल में जाओ बोलो भाई मुझे वाइट फॉर्म में एंटीबायोटिक दे, महंगी नहीं होंगी। और टैंक के साइज़ के हिसाब से आप उसको यूज़ करने का तरीका होता है, वो भी बता दो आपको मैं। आप तो प्लांट का अंदर पानी तो कम नहीं कर सकते, हीटर भी नहीं लगा सकते, मच्छी आपकी डैमेज हो जाएगी, प्लांट सड़ जाएंगे अगर हीटर लगाए तो आपने ओके। तो आपको क्या करना है इसके अंदर मैं बता दो आपको, आपका पानी इतना ही रहने दो, आपका जो स्पंज फिल्टर या कोई भी फिल्टर आपने जो लगाया, हैंग ऑन लगाया या कोई भी फिल्टर लगाया आपने, ध्यान में रखना कि उसका स्पंज निकाल दो आप, क्योंकि स्पंज अगर उसमें रहेगा तो वो उसको अब्जॉर्व कर लेगा वो ओके, मेडिसिन वगैरह। तो हो सके तो उतना सिर्फ एंटीबायोटिक वाइट फॉर्म में जो भी मिलता है मेडिकल में से लो, यूज़ करो उसके अंदर। और मेडिसिन डालने का भी तरीका बता देता हूँ, छोटे साइज़ का भाई कितना डाला जाता है वो बता देता हूँ, बड़े साइज़ में कितना डाला वो बता दे जाता हूँ ओके। 5 फुट का टैंक है, बड़ा साइज़ का टैंक है, तो मेडिसिन की मात्रा ज़्यादा लगेंगी, पावर वाला ज़्यादा लगेगा। और कम है तो आप उसको 500 mg का एक टैबलेट भी डाल सकते हो उसके अंदर, अगर बड़ा है तो आप उसको 1000 mg का डालो, 2 टैबलेट डालो उसके अंदर, तो भी आपके फिशेस कंडीशन में रहेंगे। और ये प्लांट लगाने के बाद में जनरली बहुत दिन हो जाता है पानी चेंज नहीं करते, तो येलोइश वाटर होता है और दिखता है कि प्लांट्स भी डैमेज होना चालू हो जाते हैं, तो उसके बारे में, वाटर चेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए भाई। प्लांटेड के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुनो अभी, प्लांटेड के अंदर बहुत से लोगों का होता है कि स्नेल हो जाते हैं उसके अंदर, तो स्नेल होने के बाद स्नेल रिमूवर करके लिक्विड भी आता है, और स्नेल किलर करके एक किलर स्नेल आता है, एसएसएन स्नेल बोलते हैं उसको, जो जंगली स्नेल खाता है, वो स्नेल भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और एल्गी बहुत लोगों के टैंक में हो जाती है एल्गी, तो एल्गी के बारे में भी आपको बता देता हूँ भाई लोग मैं। एल्गी के लिए आप सियामीज एल्गीटर यूज़ करो, चाइनीज़ एल्गीटर यूज़ करो, ऑटोसिंक्लस यूज़ करें इसके अंदर,
ओके, या फिर नॉर्मल करके एक डॉक्टर फिश आती है जो स्पामी यूज़ होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर सस्ता और अच्छा यूज़ करना चाहते हो तो। मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लो मेरे पास। हाँ, ये डॉक्टर फिश है, ये स्पामी यूज़ होता है पेडिक्योर के अंदर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये सस्ता, हाँ ये सस्ता और टिकाऊ है, डज़न में लेके तो 300 रुपये में आता है, ये जोड़ी में लेके तो 50 रुपये जोड़ी तक मिल जाता है ये। या प्लांटेड में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एल्गी खाता है। यानी जो एल्गी है वो अपन फिश से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिशेज जो होती है ना भाई, वो एल्गी खाने वाली जो फिशेज होती है वो अलग होती है पवन भाई, मैं आपको बता देता हूँ। वो प्लांट के ऊपर जो लगी हुई एल्गी वो भी खाती है, और एल्गी लगने के वजह से प्लांट ख़राब हो जाते हैं बहुत से लोगों के। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लाइट डाल देते हैं, और ज़्यादा कंटिन्यू 24 घंटा 12 घंटा लाइट जो चलाते हैं उनके प्लांट में और टैंक में उसके एल्गी ज़रूर आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, गैलरी में रखते हैं, सनलाइट आती है तो उससे भी वो उसका एल्गी होने के चांसेस है। तो हो सके तो लिक्विड यूज़ करो या फिर फिशेज यूज़ करो उसके अंदर। टैंक के साइज़ पे डिपेंड है कितना डाला जाता है फिश, वो भी बता देता हूँ। 2 फुट की टैंक है या 3 फुट की टैंक है तो 6 डालो, अगर उससे बड़ी है तो 12 डालो। और पानी, जैसे कि वाटर चेंजेस के बारे में कुछ बता रहे थे आरिफ भाई। भाई सबसे पहले आप लोग वो प्लांट लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला टैंक, अगर एम्प्टी टैंक है किसी के पास रखी हुई, तो सबसे पहला सॉइल डालें। ओके, हाँ सॉइल डालें। सबसे पहला कौन सी सॉइल डालें, अपना फर्टिलाइजर सॉइल नीचे बॉटम में डाली जाती है, उसके ऊपर रिवर्स सॉइल डालो। ओके, रिवर्स सॉइल डालने के बाद आपको उसके अंदर प्लांट ऐड करना है, थोड़ा पानी भरने के बाद आधा पानी भर दो, उसके अंदर प्लांट ऐड करो। ओके, और प्लांट में पानी भरने का तरीका बता देता हूँ। आप इसको बाल्टी से पानी नहीं भर सकते, क्योंकि बाल्टी से पानी भरेगा तो प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगी। एक प्लास्टिक रखो, प्लास्टिक के ऊपर स्लोली स्लोली पानी डालो, पानी ऐड करो। ओके, 2 से 3 बार ऐसा ही करो कंटिन्यू। जो गंदा पानी साइफन मारो वो 3 बार साइफन मारो, इसका पानी चेंज करो। इसका 4 से 5 टाइम में आपका पानी थोड़ा सा धुंधला सा रह जाएगा, नया नया 3 से 4 टाइम में पानी धुंधला सा रहेगा, वाइट वाइट रहेगा नया वाला। हाँ, नया पानी जब नया टैंक अब सेट करते हो तभी। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, आपको छोड़ देना उसको वैसे ही जो है। फिश ऐड नहीं करना, फिश नहीं ऐड करना है। ओके, उसके 1 हफ्ते बाद आपको फिश ऐड करना है उसके अंदर, 1 हफ्ता बाद। ओके, तो उसके बाद अगर पानी आपका गंदा है फिर भी, तो आप क्या करो, उसको साइफन मार दो फिर से, फिर से साइफन मारो, स्लोली पानी भरो उसके अंदर, पानी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर जैसा मेरा है अभी फिलहाल। हाँ, आपका बहुत ही बढ़िया सा एकदम क्लीन टैंक है। तो ये पानी क्लियर हो जाता है, इस तरीके से पानी हो जाएगा। तो आप इसके अंदर डिक्लोरिनेशन डालो, इसके बाद मच्छी छोड़ो, बस आपका प्लांट टैंक रेडी। अरे भाई, ये प्लांट्स के थोड़ा सा नाम बता दीजिए भाई लोग। मैं आप लोग को प्लांट्स के नाम बताता हूँ। ये अमेजोन स्वर्ड है, ये वाला अमेजोन शॉट 150 का है, ये वाला ले गए रेड ग्रीन कोकम्बाज, ये ले गए 180 का है। ये मेरे पास कारपेट में मोंटी कार्लो है, ये बॉटम में फैलता है, इसको सिर्फ निकालना है। निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल डाल दो, ये फैलेगा। इसके अलावा ये है मेरे पास फिंगर लिप्स बोलते हैं इसको, फिंगर लिप्स प्लांट। ये इसके बाजू में अम्बोलिया है, इसका नाम नहीं बैठा। ये देखो पीछे मेरे पास ये वैरायटीज है, ये अम्बोलिया की वैरायटी है, ये रेड प्लांट है, इसके अंदर पर्पल स्टार है, ये वाला वैरायटी थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला प्लांट, और आपके पास में तो बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन भी है भाई। मेरे पास टोटल 30 से 40 वैरायटी के प्लांट्स हैं। बहुत सारा कलेक्शन है आपके पास। हाँ, और हर वीक में मेरे पास प्लांट्स आते रहते हैं, और काफ़ी शॉपकीपर से जो मेरे पास से प्लांट्स कलेक्ट करते और ले जाते, काफ़ी लोग सेटअप करते, सेटअप वाले भी काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास जो बड़ा बड़ा सेटअप करते हैं वो। ये सब नॉर्मल प्लांट्स है, ये आप इसको नॉर्मली लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बजट वाला प्लांट चाहिए तो फिर आपको CO2 लगाना पड़ेगा। कारपेट लगाने के लिए शीट्स वगैरह डालते हैं, उसको CO2 लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना CO2 के कारपेट शीट आती नहीं है भाई। हाँ, कारपेट वाले को बहुत ज़्यादा ये रहता है, CO2 लगाना ही पड़ता है। ये नॉर्मल प्लांट्स है, इसको कोई भी कर सकता है घर पे एकदम इजीली। यानी ये अपना बजट वाला है, जो नॉर्मल बजट के लिए काफ़ी अच्छा भी लगता है। बोलते हैं लोग कि ये प्लांटेड टैंक है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, खर्चा बहुत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बजट में अपने प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। नहीं भाई, बंदे के पास सिर्फ टाकी रहना ज़रूरी है, बंदा लाइट ला के लगा ले हुए, उसके अंदर एक फिल्टर लगा ले हुए, स्पंज फिल्टर, सैंड डाल दे हुए उसके अंदर, वो प्लांट लगा ले हुए, बस उसका रोल खत्म। उसके बाद उसको फिश डालना है, बस इतना ही है। ठीक है आरिफ भाई, थैंक यू आरिफ भाई फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। आपने जो भी नॉलेज दिया है वो ज़रूर हमारे व्यूवर्स को हेल्प करेगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो आप आरिफ भाई से पूछ सकते हो, उनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपको सॉइल बाय करना है, फर्टिलाइज़र, टेट्रा फिशेस, प्लांट्स बाय करना है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन भाई। मैं बोलना चाहूँगा व्यूअर्स लोगों से कि भाई ये प्लांट्स वगैरह लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल आदमी भी लगा सकता है, बस करने की कोशिश करने की तैयारी चाहिए। बंदा करे हाथ से, एक बार ना सही, एक बार फेल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में तो बरो सक्सेस हो जाएगा भाई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लगा लो बिंदा हाथ से, करो, कुछ नहीं होता है भाई। बंदा लगाने वाला भी तुम्हारे ऐसे हमारे जैसा ही है, कोशिश करके देखो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बिंदास करो आप, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, बाकी जो भी रहेगा गाइडेंस वगैरह मैं करते रहूँगा, टेंशन मत लेना, जो भी है आप लोग पूछो, बिंदास मेरे से कॉल करो, जो भी हो बिंदास पूछो। आपका तो नंबर शेयर कर दिया है, कि जैसे भी इनको प्लांट्स भी लगे या फिश भी लगा तो आपको उस नंबर पे कांटेक्ट भी करेंगे, और कुछ गाइडेंस भी लगा तो आपसे पूछेंगे। भाई लोग, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी पूछना है बिंदास पूछो, जो भी चाहिए फिशेस वगैरह मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पे भी आप इंडिया में जहाँ पे भी रहते हो मुझे बोलो, प्लांट चाहिए प्लांट दे दूंगा, सॉइल चाहिए सॉइल दे दूंगा, जो चाहिए आपको दे दूंगा, टैंक का साइज बता दो मुझे। ओके, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली भी घर में कर सकते हो उसको, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं भाई। ओके, थैंक यू आरिफ भाई। ओके, थैंक्स माय व्यूअर्स, ओके बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था बजट में प्लांटेड टैंक को कैसे डेवलप करना है। हाईटेक प्लांटेड टैंक के बारे में भी हम वीडियो बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।